Good morning, my YouTube family. आप लोग देख सकते हो मैंने मिर्ची और तुलसी बहुत दिनों से मतलब पानी नहीं दिया है, और इस साइड का तुलसी और जो ये लंबा वाला मिर्ची है ये वाला अच्छा ग्रोथ हुआ है, लेकिन ये दोनों जैसा था ऐसा ही है। पानी कब ठीक होगा? सो वेलकम टू माय ब्लॉग। पानी भूल पांगी ओ वाओ वेरी गुड मामा हेल्प करे। आई लव यू। आज हर्षिता ने जो सुबह सुबह उठ के पानी वगैरह भरा था, मैं तो उसके लिए मतलब चावल बिठाने के लिए गई थी और वो आके ऐसे पानी सारे बकेट में पानी भर लिया था, देख के बहुत अच्छा लग रहा था। मैं क्या कह, बेटी बड़ा हो गया है, हो रहा है, तंग भी करता है, लेकिन कभी कभी इस तरह का कुछ काम भी करता है कि दिल सूज जाते हैं। देख सकते हो मेरे साथ वो भी काम। अभी ये रूम भी मतलब बेड और टेबल मैंने झाड़ लिया। अभी हर्षिता टीवी दिख रहा है, अभी उसको ब्रेकफास्ट कराऊंगी। हर्षिता को ब्रेकफास्ट कराने के बाद पापा नहीं है। ज़्यादा गर्मी, फैन वैन कुछ काम नहीं कर रहा है, घर में तो कूलर काम नहीं कर रहा है और फैन का जो हवा है वो भी मतलब गर्मी के मेरे रात भर हम हर्षिता और मैं दोनों सो नहीं पाए, क्योंकि हमारे रूम में ना गर्मी से आग उबल रहा है, आग से भी ज़्यादा शायद। काम तो करना पड़ेगा, देखते हैं। अभी मैं धीरे धीरे मतलब दो रूम का बेड तो ठीक हो गया। अभी वैसे देखिए पापा का जो बेड है उसको ठीक करने का बारी है, और ये वाला जो बेडशीट है बड़ा बहुत बड़ा है, इसलिए मैं साइड से फोल्ड कर करके मतलब यूज़ करती हूँ। हर्षिता अभी भी डोर पे पापा को ढूंढ रहा है। मैं अभी हर्षिता के लिए अनार छील रही हूँ, क्योंकि उस ये वाला जो अनार है इसमें ज़्यादा रस नहीं है। बारिश के मौसम के अनार के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, तो मैं इसको पेस्ट करके जूस करके दूंगी। जूसर का जो काम जो ताम झाम है वो नहीं निकाला, मैं ये शॉर्टकट इसी से करूँगी, ज़्यादा बर्तन नहीं होगा मांजने के लिए।
आप लोग भी अगर मतलब बच्चे इस तरीके के जूस मतलब फ्रूट वगैरह अगर ऐसे नहीं खाते तो आप लोग उसको आराम से जूस बना के दे सकते हो, और अगर फिर भी खाना नहीं चाहते तो कुछ अट्रैक्टिव ग्लास या कप में दे दीजिए, और उसके साथ स्ट्रॉ वगैरह दे दीजिए, तो दिखने में अगर अच्छे होंगे तो वो लोग आराम से खाएंगे। और दो अनार का जूस थोड़ा सा हुआ, एक या दो सिप में ही ख़त्म हो जाएगा। अभी हर्षिता को जूस देती हूँ तो जूस बहुत पसंद है, फ्रूट जूस, क्योंकि गर्मी की मौसम है, जूस पीना चाहिए। और आजकल बच्चे क्या है, बाहर का जो माजा फ्रूटी वगैरह है वही खाते, वो सब देख के तो पागल हो जाता है, उससे अच्छा है घर में फ्रूट खिलाओ, अच्छा होता है। और हर्षिता को मतलब इस तरीके से जूस देती हूँ तो खा लेता है। उसने दो अनार दिया था छोटा वाला, ज़्यादा क्या बोलते हैं उसके रस नहीं था, बट फिर भी काम चलाओ हो गया है उसके लिए, वो अपने आप खा रहा है, उसको जूस बहुत पसंद है। बीट बीट का नहीं खा रहा है आजकल, बीट दे रही हूँ तो मुंह बनाने लगता है, जब भी जूस बनाने शुरू करती हूँ तो वो आके मेरे पास ही, उसको पता है उसके लिए जूस बनाती हूँ। वो जूस उसको जूस पीने के लिए दिया है, और मैं मतलब अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि अभी उसको धीरे धीरे अपने हाथों से भी खाना खिलाना सिखा रही हूँ, क्योंकि स्कूल वगैरह जाएंगे तो मतलब मैं हमें उसको खिलाने तो नहीं जा सकती, अंदर तो मुझे जाने नहीं देंगे। अभी उसको ट्रेनिंग चल रहा है खाने पीने का, धीरे धीरे देखती है। भूख लगते हैं तो हाथ में कुछ देती हूँ तो खा लेता है, बिस्किट वगैरह खा लेता है, लेकिन चावल ही सिर्फ पेस्ट करके देना पड़ता है। ऐसा नहीं है, कभी कभी अंडा वंडा, अंडे का जो येलो पोर्शन है वो अगर देती हूँ तो खा लेता है, उसके साथ चावल मिक्स करके देती हूँ तो मतलब टेस्टी होना चाहिए, बिना टेस्ट के आप मतलब कुछ नहीं खिला सकते। बच्चे को खिलाना काम, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि हर्षिता के पापा के लिए रात को फिश करी बना के रखी थी, लेकिन वो उठते उठते लेट हो गए थे तो जल्दी जल्दी चले गए थे, और मेरा इधर किचन क्लीन हो गया है बुरी तरीके से, तो उसी का सब्जी था, मेरे रात का ही सब्जी था, वो लेके नहीं गया तो उसी से हो जाएंगे, मेरा हर्षिता के लिए बनाई हूँ। आप लोग देख सकते हो किसी भी बिल्डिंग मतलब किसी भी रूम के बाहर इतना कपड़ा नहीं है जितना मेरी रूम के बाहर बेलकोने में कपड़ा है, पूरा भर चुके हैं, और कपड़ा देने की जगह भी नहीं है, और बाथरूम में और भी कपड़ा है, और हर चीज़ मेरे पीछे पीछे, और मेरे रूम के सामने पता नहीं ये कौन खटारा सा ये रख के गया है। खेलो खेलो, और गर्मी गर्मी है भाई, गर्मी है, गर्मी है भाई, गर्मी है, ऐसे लगता है चारों ओर आग लगा दिया है, और हम लोग उसके भीतर है आग के। और कुछ दिन मतलब बारिश जब थे तो उस टाइम पे मक्खियाँ गायब हो गए थे, लेकिन मच्छर ज़्यादा हो रहे थे। अभी फिर से मक्खियों की मतलब छत्ताने शुरू हो गए हैं घर के अंदर, और बेलकोनी में है, अभी भी नेट के बाहर ही है, इधर मिन रहा था। फिर हम लोग मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए चली गई थी, सोई नहीं थी, और सोचा चॉकलेट केक बना लेती हूँ, बहुत दिन से हर्षिता के पापा बोल रहा था केक बनाओ केक बनाओ, तो आज सोचा कि ड्यूटी पे खाने के लिए नहीं लेके गए, पता नहीं ड्यूटी पे क्या खाए नहीं खाए आता तो भूख लगेंगे, तो सोचा इसलिए थोड़ा सा चॉकलेट केक बना लेती हूँ। ये बोला हम दोनों को ही पसंद है, और कम चीनी वाला ही बनाई हूँ। केक रेडी हो गया है, बहुत यम्मी है देखने में भी, उसी तक पापा भी आ गए हैं, चाय होते होते मैं इसको सेट करने के लिए फ्रिज में रख देती हूँ, फ्रिज में सेट हो जाएंगे। अभी चाय उठाई हूँ, और मैंगो फ्रूट सुबह नहीं दोपहर भी नहीं खा पाए, और रात को मैं दूँगी
तो फिर बोली कि आम खाओगे क्या, पूछी मैंने तो खाएंगे बोला था, तो मैंने मैंगो काट लिया था। मैंगो वाला बड़ा वाला था तो हम दोनों का एक ही में हो गया था, तो क्योंकि केक है और मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, तो सिर्फ काले नमक डाला था थोड़ा सा। तो पापा नहा लिया है और मैंगो दिए हूँ, केक खाया, बहुत सॉफ्ट हो गया था केक, मीठा भी कम था क्योंकि हमें मीठा इतना पसंद नहीं है, मैंने चीनी बहुत कम दिया है क्योंकि मार्केट की जो केक है उसमें बहुत ज़्यादा मीठा वगैरह रहता है। मैंने जो चॉकलेट शॉट जो बनाया था उसमें भी कम मीठा डाला था, दोनों में मैंने मीठा कम दिया था, बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी हुआ था। मैं हंसते के पापा को बोली और खाओगे क्या, बोला नहीं खाएंगे, लेकिन मेरी वाला फिर लेके खाया, यम्मी हो गया था, देख सकते हो मेरा वाला चोरी हो रहा था मेरी आंखों के सामने। मैं बोली कि चाहिए क्या, बोला नहीं चाहिए मेरे वाले में। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ मुझे ज़्यादा खाना नहीं पड़ा, अभी निकालना पड़ गया। तो वॉकिंग के लिए हम लोग जा रहे हैं, अर्जित खेलेंगे और मैं थोड़ा सा वॉकआउट कर लूँगी। हर्षित कैंप फोटो उठना था उसको, आजकल फोटो खींचने का उसका मन था, और अभी हम लोग जा रहे हैं। और ये वाला शॉट हस्बैंड ने लिया है, हस्बैंड को कैमरा पकड़ने के लिए देख कहती हो तो गुस्सा हो जाता है। हर्षिता ने आज पार्क में बहुत मतलब नौटंकी की है, मतलब बहुत क्या बोलते हैं रोए, पता नहीं किस लिए, जिद्दी हो गया है बहुत ज़्यादा। ये लोग इधर पार्क में मतलब वॉलीबॉल उधर देख के तो हर्षिता उसके ऊपर डर गए। यहाँ कुछ बच्चे खेल रहा था और बच्चों के जो बाप है वो लोग उधर खेल रहा था वॉलीबॉल, और कुछ बच्चे झूले पे था और कुछ बच्चों के बाप भी झूले पे ही थे। खाया है तो निकालना तो पड़ेगा, अभी वॉकिंग चल रहा है एक्सरसाइज। और मेरा ये जो फेवरेट जगह है ये लंबा रास्ते पे अच्छा लगता है, इधर गाड़ी वाड़ी नहीं आता है तो इधर वॉकिंग करके अच्छा लगता है। और अभी बहुत दिन मतलब एक्सरसाइज नहीं हुआ था तो थायराइड भी फुल हाई हुआ था, 100 पार हुआ था, तो उसके लिए कंट्रोल करने के लिए अभी क्या है खाना बनाना तो पड़ेगा क्योंकि हस्बैंड ड्यूटी में थी, हार्ड वर्क करता है तो उसको तो खाना बना तो देना पड़ेगा। और हर दिन एक ही खाना देते देते तो वो लोग भी बोर हुआ है, और अभी थोड़ा आज टिफिन भी नहीं लिया तो आज थोड़ा सा मतलब उसको पटाने के लिए खाना कितना जितना आसान है और इसको निकालना उतना ही, लेकिन ज़्यादा खाओ तो मोटापा, कम खाओ तो बाकी का प्रॉब्लम्स आ जाता है, दोनों में ही प्रॉब्लम्स है क्या करें। बट उसी के साथ मतलब शरीर को फिट रखना भी ज़रूरी होता है ताकि बीमारों से दूर रहे, और ऐसे भी मुझे मेरी तबीयत दो दिन में ख़राब होता ही रहता है, तो थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह कर लेती हूँ। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।